नमस्कार, सुप्रभात। दूरदर्शन हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मृति शर्मा और आप देख रहे हैं सुबह का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। दर्शकों, परिवर्तन संसार का नियम है और इसीलिए हिमाचली संस्कृति का अभिन्न अंग रही लोक गायकी भी समय के साथ अनेक बदलावों से गुजर रही है और इसमें योगदान हमारे युवाओं का भी है। वो नए और अलग अंदाज में संगीत को प्रस्तुत कर रहे हैं और चाहे हम बात करें पारंपरिक लोकगीतों की या फिर नए गीतों को प्रस्तुत करने की बात हो। आज इस कार्यक्रम में हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, वो आपको बता दें कि एक उभरते कलाकार हैं। वो अपने नए अंदाज में अपने संगीत के सफ़र को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिना देर करते हुए मिलते हैं आदर्श ठाकुर जी से और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और दूरदर्शन की टीम का कि आपने मुझे यहाँ पे इस मंच पे आने का मौका दिया। जी जी, तो हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, आपके संगीत के सफ़र के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज़ से दर्शकों को थोड़ा सा मंत्रमुग्ध कर दीजिए और एक सुबह का, क्योंकि समय है, तो एक भजन से शुरुआत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक शिव भगवान का बहुत ही फेमस लोकगीत है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौली भोले बाबा, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव भोले बाबा, शिव जी के मन को लुभाए। शंकर संकट हरना, ओ भोले बाबा, शंकर संकट हरना। बहुत खूब, सुबह सुबह भगवान शिव को याद किया है। हमारे जो शो की शुरुआत है वो बहुत ही अच्छी हुई है जी, धन्यवाद। तो अब हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, थोड़ा आपके बैकग्राउंड के बारे में कि आप बेसिकली आप कहाँ से हैं, आपका बचपन कैसे और कहाँ पे बीता है। जी बेसिकली तो मैं शिमला का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। बट जो मेरा बचपन है वो मतलब एक जगह पे नहीं बीता है, मैं काफ़ी सारी जगह घूमा हूँ, काफ़ी स्टेट्स में घूमा हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो थे वो आर्मी में थे। अच्छा। तो जैसे आर्मी में पता ही है कि पोस्टिंग होती रहती है हर 2-3 साल बाद, तो मैं भी पापा के साथ मोस्टली हर जगह गया हूँ, हर जगह घूमी है मैंने। जी, जी। तो जो मेरा बचपन था वो मैंने नर्सरी के जी की थी मैंने उत्तरांचल से, तो बाकी 2-3 सालों के लिए मैं शिमला वापस आ गया था 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास के लिए। बाकी उसके बाद मैं फिर से अपने पापा के साथ अहमदाबाद में रहने गया था, तो 1-1.5 साल मैंने वहाँ पर स्कूलिंग की 6th क्लास, एंड देन 7th, 8th, 9th मैंने की कलकत्ता से। अच्छा। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया था, तो 10th, 11th, 12th मैंने की जो चंडीगढ़ से की है। अच्छा, तो मतलब आप काफ़ी जगह पे घूम चुके हो। हाँ जी, अगर हाँ जी। हम कहें तो जी, तो आपके जो संगीत में है उसमें आपकी रुचि कैसे आई है, किस तरह से आप संगीत की ओर आपका रुझान हुआ है? पहले तो मेरा ऐसा कुछ रुझान नहीं था संगीत की तरफ, बट 11th क्लास में था, मेरे को अभी भी याद है, तो 11th क्लास में था, तो उस टाइम एक बहुत ही फॉरेन बैंड था, वेस्टर्न बैंड था, वन डायरेक्शन के नाम से। अच्छा। तो वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉपुलर हो गया था उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो उनके मैं गाने सुनता था, तो मैं उन्हीं के गाने ऑन रिपीट सुनता रहता था, तो वहाँ से मैंने जब उनको देखा वो शो परफॉर्म करते थे, जैसे वो इंटरव्यूज़ वगैरह देते थे, तो मैंने उनकी सारी चीज़ें नोटिस की, सारी चीज़ें देखी, तो मुझे भी कहीं ना कहीं वहाँ से म्यूज़िक करने का एक वो मिला कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी वैसी एक ज़िंदगी जीनी है जैसी वो जी रहे हैं।
तो मेरे को वहाँ से 11th क्लास में था मैं उस टाइम, जब मेरे को म्यूज़िक करने का शौक चढ़ा कि नहीं मुझे भी अब म्यूज़िक करना है। अच्छा। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मेरे को अब गिटार ला के दो। अच्छा। तो फिर पापा ने मुझे गिटार ला के दिया, तो फिर वहाँ से थोड़ा म्यूज़िक में मेरा करियर आगे स्टार्ट हुआ वहाँ से 11th क्लास में। अच्छा, तो आपने 11th क्लास से जो है वो गाने की शुरुआत कर दी थी और जो ये संगीत में आप आना शुरू कर दिया था। और जैसे आपने वन डायरेक्शन की बात की, युवाओं में तो उनका जो क्रेज है वो अलग ही लेवल पे रहता है हमेशा से। बिल्कुल, उस टाइम बहुत ही अलग लेवल पे क्रेज था उनका। जी जी बिल्कुल। तो आपने जो ये गिटार है उसकी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से आपने प्रशिक्षण तो लिया ही होगा, क्योंकि जब भी हम किसी आर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़रूर हमें ज़रूरत होती है कि हम कहीं से ज़रूर सीखें। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी कला को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी जी, होती है। जी बिल्कुल। बट मेरा ऐसा था कि मैंने कभी किसी गुरु से शिक्षा नहीं ली, मैंने मतलब मोस्टली मैं सेल्फ टॉट हूँ, मैंने खुद को गिटार सीखना सिखाया है और म्यूज़िक का भी सिंगिंग का भी ऐसा ही है। मैंने कभी किसी से ऐसे शिक्षा नहीं ली है। अच्छा। और मैंने YouTube वगैरह से ही देख देख के, वीडियोस देख देख के, अपना टाइम इन्वेस्ट करके, सीख सीख के, प्रैक्टिस कर करके, तब जाके मैंने गिटार सीखा है। अच्छा, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आप गुरु की ज़रूरत अवश्य होती है एक व्यक्ति के जीवन में, लेकिन आपने खुद ही सीखा है और ये अपने आप में ही काबिले तारीफ़ है। जी, तो आपने अपने फादर को कहा था कि आपके लिए गिटार लेकर आए, तो क्या आपकी फैमिली में भी कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है? क्या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि रही आपकी म्यूज़िक में? बाय प्रोफेशनली तो म्यूज़िक में ऐसा कोई नहीं है मेरे परिवार से। बाकी हाँ, मेरे पापा को गाने का बहुत शौक है, वो गाते थे बचपन में भी, गाते थे वो जब बड़े होते थे तब भी गाते थे। अच्छा। और उनको फ्लूट बजाने का भी बहुत शौक है। तो मेरे पापा एक किस्सा सुनाया करते थे, जब मैं बड़ा हुआ थोड़ा सा, जब मैंने भी म्यूज़िक करना शुरू किया, तब मेरे पापा एक किस्सा सुनाया करते थे। अच्छा। कि वो एक दफ़ा बस में जा रहे थे कहीं, है ना, तो बस वालों ने गाने चलाए होंगे, तो फिर मेरे पापा भी ज़ोर ज़ोर से गाने लग गए, तो वो अपने गाने में इतने मग्न हो गए कि उनको पता नहीं चला कि बस वाले ने कब साइड में बस रोकी। अच्छा। और सारे जो भी पैसेंजर थे और जो बस वाले जो ड्राइवर था, उन्होंने बोला कि हम बस बाद में चलाएंगे, हम पहले गाना सुनेंगे। अच्छा। और मेरे पापा को पता ही नहीं चला, मेरे पापा गाने में मस्त मग्न, और फिर जब उन्हें ध्यान आया तो उन्हें पता ही नहीं कि बस कितने टाइम से साइड में रुकी है। तो अच्छा। वो ये किस्सा मुझे काफ़ी दफ़ा सुनाते हैं। और ज़रूर आपको इंस्पायर भी करता होगा ये। जी बिल्कुल, मुझे बहुत इंस्पायर करता है उनका ये किस्सा। जी, तो इसी बात पे आप हमें एक बहुत ही तड़कता फड़कता एक गाना ज़रूर सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को, वो ज़रूर वेट कर रहे होंगे आपके गाने गाने का। जी बिल्कुल, मैं गाना अपनी ही एल्बम का एक गाना सुनाना चाहूँगा जो ताज एल्बम है। जी जी। तो मैं उसका जो पहला सॉन्ग था, सबसे पहला सॉन्ग, तो मैं उसी को सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। कभी तू बादलों सा मुझ पे बरस गया, कभी हवाओं सा मुझे छू कर ना रुका, कभी तू मुझसे ही तो रहा यूं खफा खफा, कभी फिर सामने हो के भी मुझे ना देखा। नहीं हो जाना अखियां ते तू सुन माहिया तू सुन रांझणा ये गल सुन जा, ते दू क्यों कीती अखता यूं दीती
सजा मैं नहीं जीना, क्यों कभी तू बादलों सा मुझ पे बरस गया, क्यों कभी हवाओं सा मुझे छूकर सुने जा, तू ही था बस मेरा और तू ही रहेगा, कोई और ना होना। जो आपकी ये ताज एल्बम है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है, क्या थीम, क्या स्टोरी है इसके पीछे? जो ताज एल्बम थी उसकी शुरुआत तो ऐसे बेसिकली किसी मोटिव से नहीं हुई थी, बट ऐसे मेरे पास दो तीन गाने थे। अच्छा। तो फिर हमें उनको रिकॉर्ड करना था, फिर उनको शूट करना था। तो बस हम दोस्त बैठे हुए थे, दो तीन दोस्त, जो मेरा एक दोस्त है वो म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम करता है, तो मतलब वही बनाता है, गाने बनाता है स्टूडियो में अपने, उसका स्टूडियो। अच्छा। है तो फिर हम साथ में बैठे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक किस हिसाब से हमें इसकी म्यूज़िक वीडियो बनानी चाहिए आगे। तो अभी एल्बम का नेम भी डिसाइड नहीं हुआ था, कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्टिंग थी। अच्छा। तो फिर ऐसे ही एक मन में ख्याल आया, क्यों ना हम इसको स्टोरी टेलिंग के तरफ से ले जाएं, हम स्टोरी टेलिंग करें कि हर गाने में एक स्टोरी टेलिंग हो रही है। तो फिर हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम इसको स्टोरी टेलिंग से करेंगे। फिर हमने स्टोरी बनाई एक वहीं पे बैठ के सारे लोगों ने। अच्छा। तो फिर हमने गाने डिसाइड किए फिर स्टोरी टेलिंग के हिसाब से कि हाँ अब इस स्टोरी में कौन सा गाना पहले आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। फिर कुछ गाने ऐसे भी हैं जो हमें स्टोरी के हिसाब से बनाने पड़े, क्योंकि जैसे लास्ट में एक दुखद अंत होता है। अच्छा। स्टोरी का, तो फिर उस हिसाब से एक लास्ट वाला गाना बनाना पड़ा जो थोड़ा सा सैड टाइप हो, तो फिर वैसे करके हमने इसका शुरुआत की ताज एल्बम की। अच्छा, तो ये नाम कैसे पड़ा ताज इस चीज़ का? ताज इस चीज़ का, मैं इस चीज़ का नाम रखना चाहता था, मतलब मैं ऐसा नाम रखना चाहता था जो थोड़ा सा एक रॉयल्टी की तरफ ले जाए चीज़ों को। अच्छा। क्योंकि जो हमारा, जो हम काम करते हैं तो उससे हमें मतलब लाइक एक प्लेजर मिलता है उस काम को करने, तो मतलब वो एक रॉयल्टी की तरफ मैं थीम रखी थी मैंने। तो फिर उस करके फिर मेरे मन में ध्यान में आया कि ताज एक अच्छा नाम रहेगा, क्योंकि जैसे कि ताजमहल है जो वो प्रेम का प्रतीक है, तो वहाँ से मैंने शायद इस नाम को ताज का नाम आपने एल्बम का नाम ताज रखा है। जी, बहुत ही सुंदर आपकी जो स्टोरी है, आप लोगों ने मिलके जो काम किया है, और जब भी कोई साथ में मिलके लोग काम करते हैं वो अच्छा जरूर उभर के आता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अगर हम इसमें सॉन्ग राइटिंग की बात करते हैं, तो फिर किस तरह से आप इसमें सॉन्ग राइटिंग करते हैं? आपने खुद ही गाने लिखे हैं इसके, तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली या किस तरह से आपके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए? सॉन्ग राइटिंग का जो मेरा लिखने का तरीका है, मेनली मैं एक ऑब्जर्वर काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, लोगों को कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं या फिर कोई भी सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करते हैं। तो मेरे को मूवीज़ देख के भी काफ़ी प्रेरणा मिलती है सॉन्ग्स लिखने की, जैसे कि मूवीज़ में कुछ भी इंसिडेंट होता है तो जो वो दर्शाते हैं मूवी में वो मैं कहीं ना कहीं महसूस कर सकता हूँ उस चीज़ को, तो मैं वही इमेजिन करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, देन मैं ये सोचता हूँ कि उस टाइम उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो किस फीलिंग से, किस स्थिति से गुजर रहा है, तो मैं उसी के बेस पे सॉन्ग लिखने की ऐसे कोशिश करता हूँ। तो मतलब मैं अकेले ही बैठ के मोस्टली सारे सॉन्ग्स लिखता हूँ। जी, और ये बात आपने बहुत सही कही है कि जब आप ऑब्जर्वर होते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो और वहीं से आपको इंस्पिरेशन भी मिलता है और नए नए आइडियाज भी मिलते हैं। जी, तो आपकी हम टीम के बारे में जानना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने आपके साथ टीम में इस एल्बम में काम किया है और किस तरह से ये वर्क किया टीम में काम करना। जी, मेरी टीम में मोस्टली मेरे फ्रेंड्स ही हैं, जो मेरा एक फ्रेंड है कामेश ठाकुर, तो वो स्टूडियो प्रोडक्शन का काम करता है दिल्ली। अच्छा। में उनका स्टूडियो है। अच्छा। तो वो म्यूजिक वही देता है मेरे गानों को मोस्टली, हर गानों को म्यूजिक कामेश ने ही दिया है। जी, तो मेरा म्यूजिक का काम वो करता है, एंड देन जो वीडियो शूटिंग का काम है वो भी मेरा एक फ्रेंड ही है, सनी शर्मा के नाम से। जी, तो वो मतलब मेरा सारा म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन का काम मोस्टली उसी ने ही देखा है। अच्छा। बाकी जो भी एक्टर वगैरह थे, जो भी क्रू थे, वो हमारे फ्रेंड्स ही हेल्प करते हैं। अच्छा। हाँ जी, जो उसमें लीड एक्ट्रेस थी जो ताज एल्बम में, वो है मेरी कजन।
आरती ठाकुर जी जी। तो उसका किस्सा ऐसा हुआ था कि जब हमने मतलब मोस्टली सब डिसाइड किया था, सब कुछ डिसाइड कर लिया था, पहले वो नहीं थी आरती, नहीं थी पहले, पहले कोई और मॉडल थी, वो सनी ने ही प्रोवाइड कराई थी, जो हमारे वीडियो डायरेक्टर हैं तो उन्होंने ही वो मॉडल प्रोवाइड कराई थी। तो सब कुछ रेडी हो गया था, सारा डेट डिसाइड हो गई थी कि हाँ इस दिन शूट होगा, ऐसे शूट होगा। तो हम सब लोग तैयार हो गए, सुबह सब रेडी हैं जाने के लिए। तो लास्ट मोमेंट पे कॉल आता है मॉडल का कि वो नहीं आ सकती है जी। तो मतलब अब हम ऐसा हो गया कि अब लास्ट मोमेंट पे कैसे मना कर सकते हैं कोई, क्योंकि अब सब ने सारी प्रिपरेशन कर दी है, सब कुछ डिसाइड हो गया, लोकेशन शूट सब जाने के लिए रेडी है जी। तो फिर लास्ट मोमेंट पे मना कर दी, बट वो होता है ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो फिर लास्ट मोमेंट पे मैंने सोचा कि अब किसको रखे मॉडल, तो फिर देन मैंने, मेरे को ध्यान में आया कि जो मेरी कजन है उसका घर शिमला से थोड़ा नजदीक ही है तो वो आ सकती है। तो मैंने उसको कॉल किया 8:30 बजे सुबह कॉल किया, और 9 बजे की शायद बस थी उसकी, तो वो जल्दी से तैयार हुई फटाफट। जो मैंने थोड़ा बहुत बोला कि ऐसे ड्रेसेस वगैरह रखनी, क्योंकि उस दिन 2 गानों के शूट होने थे एक ही दिन में, तो फिर वैसे वैसे वो जल्दी से तैयार हुई, वो आई। तो जो वो कज़न है मेरी, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, मतलब पूरे थ्रू आउट द म्यूज़िक वीडियो जो भी ताज एल्बम है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल, आपके दोस्त और आपके जो कज़न है उन सब ने आपका साथ दिया है। और जब अपने नोन ही मिल जाते हैं, कैमरा वाले भी और म्यूजिक वाले भी, तो फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, हैंडल करना, मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है जी बिल्कुल दोस्तों के साथ। अब दोस्तों के साथ तो हो ही जाता है जी। तो आपने इसकी स्टोरी कैसे सोची, किस तरह से जो ये रिकॉर्डिंग का है या फिर शूटिंग का है ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ा प्रोडक्शन का? बेसिकली रिकॉर्डिंग का ऐसे, जैसे कि हम पहले सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते, पहले तो जो कंपोजिशन बनाते हैं वो सुनानी पड़ती है प्रोड्यूसर को, जो भी म्यूजिक प्रोडक्शन है तो उनको कंपोजिशन सुनाते हैं। फिर जब वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ अगर चेंजेस करने की जरूरत तो हम वो चेंजेस वगैरह करते हैं मिल बैठ के सारे, तो फिर उसके बाद हम रिकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग का, तो फिर रिकॉर्डिंग में 1-2 दिन लग जाते हैं आराम से, क्योंकि हर एक चीज़ को परफेक्टली दिखाना पड़ता है रिकॉर्डिंग में। तो फिर वो जब रिकॉर्डिंग करते हैं देन उसके बाद कुछ टाइम वो लेते हैं, फिर वो डमी प्रोडक्ट देते हैं कि मतलब ऐसा साउंड करेगा इन फ्यूचर, एक स्ट्रक्चर जैसा बना के दे देते हैं। अच्छा। फिर देन हम उस पर म्यूजिक वीडियो शूट करते हैं उस स्ट्रक्चर पे, डमी पे। तो देन उसके बाद जब म्यूजिक वीडियो एक बार शूट हो जाती है, देन फाइनल प्रोडक्ट जब आ जाता है तो देन उसकी एडिटिंग वगैरह होके फिर हम वैसे उसको रिलीज कर देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो निकल के आता है। जी, तो हम म्यूजिक की बात कर ही रहे हैं, तो आपका एक गाना है जाने तू कौन है, तो उसको थोड़ा सा सुन लेते हैं हम, अपने ऑडियंस को थोड़ा सुना देते हैं। जी बिल्कुल। चलता तेरे ये जहां, जाने कौन है और कहां जा रहा है तू। सपने जो देखे मैंने आंखों में तेरे, ना देखे कभी किसी ख्वाब में मेरे, जाने कौन है और क्या जता रहा है तू। जो है ये भी गाना है जाने कौन है,
और इतने अच्छे से आपने निभाया है, जो आपकी गायकी है, जो लिरिक्स है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जी धन्यवाद जी। तो जब हम बात करते हैं म्यूज़िक की, जैसे आपने बताया आपके फादर बहुत गाना पसंद करते थे, तो जब आपकी फैमिली को पता चला कि आप भी म्यूज़िक में ही आगे जाना चाह रहे हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका ऐसा कुछ मतलब खास नहीं था, बट वो ऐसा बोलते थे कि म्यूज़िक करना है, करो, अच्छी बात है, करते रहो। बट स्टडी उस टाइम तो मैं जैसे प्लस वन प्लस टू में था, तो ऑफकोर्स स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है एजुकेशन हमारे लिए। जी बिल्कुल। तो फिर घर वालों का यही था कि एजुकेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए, बाकी आप करते रहो जितना म्यूज़िक करना है आपको साथ साथ में। तो फुल सपोर्ट था फैमिली का, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी मना किया कि म्यूज़िक नहीं करना है, बाकी ऐसा है कि पूरा सपोर्ट दिया फैमिली वालों ने। जी, और जब फैमिली का सपोर्ट मिल जाए तो इंसान कुछ भी करने के लिए आगे रहता है और सफलता पा लेता है उस चीज में। जी बिल्कुल जी, जी। तो जैसे आपने स्टडी की बात की थी कि स्टडी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, फैमिली ने ऐसा कहा था, तो किस तरह से आपने मैनेज किया अपनी स्टडी को और अपने म्यूजिक के पैशन को? जी मेरे लिए स्टडी मतलब मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे पढ़ने का शौक़ है, पढ़ने और लिखने का शौक़ है। मैं काफ़ी सारी नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ। अच्छा। और मैंने काफ़ी नॉवेल्स लिखी भी है खुद की। तो बस मेरे को स्टार्टिंग से ही मतलब सिक्स सेवन्थ क्लास से आई गेस मैंने पढ़ने का शौक़ था, तो मुझे ऐसे कभी इशू आया नहीं मेरे को स्टडी करने में कि हाँ मेरे को कोपअप करने में कुछ इशू आ रहा है। तो स्टडी भी आराम से होती गई और म्यूज़िक भी आराम से होता गया और मेरी डिग्रीज वगैरह भी आराम से होती गई। तो अगर हम आपके जो ये स्टडी की बात करें, आपकी डिग्री की बात करें, तो कौन से सब्जेक्ट में आपने आगे पढ़ाई की है? मैंने कॉमर्स में किया है, आगे एमकॉम की है मैंने, मास्टर्स इन कॉमर्स। अच्छा। वो मैंने शिमला से ही की है, इवनिंग कॉलेज से। बाकी बीकॉम मैंने कोटशेरा से की है। जी जी। और उसके साथ साथ आपने अपने म्यूजिक के पैशन को जिंदा रखा और आप आज अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे हैं लगातार। जी। तो हम जैसे देखते हैं कि जो भी एक आर्ट फॉर्म होती है या फिर एक आर्टिस्ट होता है, उनके लिए ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, तो आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है ये ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, और आप किस तरह से अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ एक जो कनेक्शन है वो बनाए रखते हो? जी, ऑडियंस के साथ एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सके किसी भी वे में। और एक आर्टिस्ट अपनी ऑडियंस के साथ तभी कनेक्ट करता है जब ऑडियंस जो है वो आर्टिस्ट के किसी आर्ट के साथ रिलेट कर पाती है। जैसे अब मैं म्यूजिक की बात करूँ, तो जो संगीत है, जो गीत है, जो लिरिक्स है, अगर वो ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही है अपने आप को कि हाँ भाई ये मेरे साथ जो भी इवेंट्स, जो भी गाने हो रहे हैं, तो वो उनको उसको लग रहा है कि हाँ मेरे साथ हुआ है ऐसा, अगर वो रिजेंबल कर पा रहे हैं खुद से, तो देन मेरे ख्याल से ऑडियंस ज़्यादा बेटर कनेक्ट कर सकती है आर्टिस्ट के साथ। और हर एक आर्टिस्ट का यही होता है मेन प्रायोरिटी कि वो अपनी ऑडियंस के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना कनेक्ट कर सके। जी। तो आर्टिस्ट के लिए एक ताकि एक बॉन्ड बन सके, और तभी ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है एक आर्टिस्ट को जब वो कनेक्ट कर पाती है। जी जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात कही है कि जब आर्टिस्ट आपकी आर्ट फॉर्म के साथ रेजोनेट कर पाता है तो फिर उसका कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन ही ऑटोमेटिकली बन जाता है। जी। तो आप लाइव परफॉर्मेंसेस भी देते हो, और एज एन जो आप सिंगर हो, तो लाइव परफॉर्मेंस देना जो है वो एक मैंडेटरी हम कह सकते हैं कि वो जो आर्टिस्ट है वो देता ही है। तो आपकी फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कब आपने अपनी फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस दी थी और कहाँ पे था, क्या इसके पीछे का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? फर्स्ट लाइव परफॉर्मेंस मैंने शायद 2018 या 19 में दी थी, मेरे को एग्जैक्टली प्रॉपर याद नहीं है। जी। बाकी हम ऐसा था कि हम कुछ दोस्त, दो तीन दोस्त मॉल पे बैठे हुए थे, ऐसी जैमिंग कर रहे थे गिटार के साथ, तो फिर एक सर आए, उन्होंने हमें अप्रोच किया। जी। उन्होंने बोला कि आप ऐसे वगैरह म्यूज़िक वगैरह करते हैं, सिंगिंग करते हैं? हमने बोला हाँ जी। तो उन्होंने ऑफ़र किया कि मेरा ऐसे ऐसे रेस्टोरेंट है, तो क्या आप वहाँ पे आके परफॉर्म कर सकते हैं? तो हमने बोल दिया ठीक है जी, हम कर लेंगे परफॉर्म। तो सैटरडे संडे का शो वगैरह रहता था, तो उस टाइम मेरे को उतना अच्छे से आता भी नहीं था, सीख ही रहा था मैं, सीखने वाले फेज़ में था। तो फिर जब मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया तो मेरे को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला कि शो कैसे किया जाता है, क्या क्या हमारे को रिक्वायरमेंट्स रहती है ऑडियंस को पूरी करना, क्या क्या सॉन्ग सिलेक्शन होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहीं से ही सीखी। तो मेरे जो फर्स्ट दो तीन एक्सपीरियंसेस थे वो काफ़ी अच्छे रहे और वो ज़रूरी भी थे। जी जी। वो एक्सपीरियंसेस लेना, तो फिर वैसे करके मैंने वहाँ से शुरुआत की। तो उसके बाद आगे चलते चलते खुद को इम्प्रूव किया, कैसे हाँ किस तरह के सॉन्ग्स हमें इंक्लूड करने चाहिए गाने में लाइव में, तो वो सारी चीज़ें वहीं से ही शुरुआत हुई उसकी। जी जी। तो जैसे आप अभी म्यूज़िक की बात हो ही रही है लाइव परफॉर्मेंस की, तो हम चाहेंगे कि एक नाम का है खुदा आपका एक गाना है, उसकी थोड़ी सी कुछ चंद पंक्तियाँ आप सुना दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ से हो
जानू ना जानू ना थी मुझ में कोई कमी, तेरे आने से पूरी क्यों हुई। मानू ना क्यों कहते हैं ये सभी के उन्हें कभी खुदा मिलता नहीं। तू जो है तो बस नाम का है खुदा, तू जो है तो बस नाम का है खुदा, तू जो है तो बस नाम का है खुदा, तू जो है तो बस नाम का है खुदा। अब तो तू कह दे सुनना जो दिल को मेरे, पता तुझे भी तो ये है, चल दे संग मेरे बाहों में बाहें डाले, जाना कहाँ क्या खबर है। जानू ना थी मुझ में कोई कमी, तेरे आने से पूरी क्यों हुई। मानू ना क्यों कहते हैं ये सभी के उन्हें कभी खुदा मिलता नहीं। तू जो है तो बस नाम का है खुदा, तू जो है तो बस नाम का है खुदा, तू जो है तो बस नाम का है खुदा, तू जो है तो बस नाम का है खुदा। चाहते जाने दो और कहा मान लो, किस्मतों के पन्नों पे है लिखा, रास्ते मोड़ दो मंजिलें जोड़ दो, तुझ संग सफर मेरा मुकम्मल रहा। तू जो है तो बस नाम का है खुदा। जब भी हम देखते हैं इसके लिरिक्स है, वो आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हो आप, और ये बहुत अच्छी बात है जी। तो आप जैसे लाइव परफॉर्मेंसेस भी देते हो, आप रिकॉर्डिंग आपकी एल्बम्स भी आई है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, लाइव परफॉर्म करना आपको ज़्यादा पसंद है या फिर आपको रिकॉर्डिंग पसंद है। जी वैसे तो मेरे को लाइव परफॉर्म करना ज़्यादा पसंद है, बट जो रिकॉर्डिंग है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे हम अपनी कला को अच्छे से प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम किसी भी एक चीज़ को लाइक अच्छे से हम रिकॉर्ड करके तब हम एग्जिबिट कर सकते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग का ही प्रोसीजर है जो कि बहुत ज़रूरी भी है जी। तो बाकी लाइव से मुझे लाइव इसलिए पसंद है क्योंकि हम वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिकॉर्डिंग में नहीं होता है। रिकॉर्डिंग में हम अकेले ही गाएंगे, बूथ पे गाएंगे, एंड देन वो ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे को सिर्फ एक एक लाइन ही रिकॉर्ड करनी पड़ती है ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड हो पाए। तो वहाँ पे जो है मतलब गाने का उतना अच्छे से फील नहीं आ पाता है। बाकी जो लाइव है वहाँ पे हम गाने का अच्छे से फील भी लेते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट भी करते हैं, इंटरेक्शन भी होती है ऑडियंस के साथ, तो मुझे लाइव करना थोड़ा ज़्यादा पसंद है जी। तो आप जैसे रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं तो हमारे पास टाइम भी होता है, तो अगर कोई गलती भी हो गई तो हम उसको सुधार सकते हैं जी बिल्कुल। पर लाइव में ऐसा कोई चांस हमारे पास होता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको जो है लाइव परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो आपको क्या लगता है सोशल मीडिया आज के लिए युवा के लिए क्या एक वरदान है? जो सोशल मीडिया है, मेरी मानना है ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी बात किसी भी देश मतलब दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और हाँ जो चीज़ पावरफुल होती है उसका गलत इस्तेमाल भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो जैसे पहले अगर किसी को कोई बात बतानी होती थी तो पहले दो ही माध्यम थे मेनली, रेडियो एंड टेलीविज़न मोस्टली, और न्यूज़पेपर, तो वो सबके लिए नहीं था अवेलेबल। बाकी अब जो सोशल मीडिया आ चुका है वो सबके लिए अवेलेबल है, हर एक छोटे से छोटे पर्सन के लिए, हर एक बड़े से बड़े पर्सन के लिए। तो कोई भी अगर अपनी बात कहना चाहता है, दुनिया तक पहुँचाना चाहता है, तो वो एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है सोशल मीडिया, ताकि बात लोगों को दुनिया तक पहुंचा सके, और अच्छी बात है तो वो पहुंच भी जाती है। जी बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी इसका इस्तेमाल थोड़ा
ढंग से किया जाए तो ज़्यादा बेटर है जी, सबके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आता है। जैसे कि आप भी एक जो गांव के परिवेश से हैं, तो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि आप पहाड़ी गाने या फिर फोक सॉन्ग्स आप गाएं या फिर लिखें? क्योंकि हमने जो आपके अभी तक गाने सुने हैं वो हिंदी में ही हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मैं जैसे कि पहले मैं पूरा टाइम बचपन से बाहर ही पढ़ा हूँ, तो मेरे को उतना फोक का आइडिया नहीं था। मैं अपने हिमाचल के कल्चर से जो थोड़ा बिछड़ा हुआ था जी, मेरे को उतना आइडिया नहीं था। तो मैं अभी रिसेंटली आया हूँ यहाँ पे अपने कल्चर में जी, तो फिर मैंने सुनना शुरू किया वहाँ पे धीरे धीरे, फिर अडेप्ट करना चीज़ों को शुरू किया कि अपना कल्चर कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसा यहाँ का पहनावा है जी, जी। तो वो चीज़ें धीरे धीरे अडेप्ट करना शुरू की। तो फिर हाँ, मैं अभी एक गाने पे काम कर रहा हूँ जो फोक सॉन्ग है जी, जी। तो मैंने सोचा कि लिखते हैं देखते हैं ज़रा कैसा लिखा जाता है। तो फिर मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, तो वो अभी इन फेज है, मतलब जी, बनने जी, की फेज रहा पे है जी। तो हम अभी पहाड़ी गाने की, लोक संगीत की बात कर ही रहे हैं, तो अच्छा होगा अगर आप एक कुछ चंद लाइनें एक पहाड़ी गाने की जो भी आपको पसंद है वो हमारे दर्शकों को सुना दें। जी बिल्कुल, एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, माई नी मेरी है शिमले नी जाना जी, जी। तो वो गाना मैं आपको सुना देता हूँ जी, जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर आपने ये गाना गाया है, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है कि आपको रुकने को कहें, आप ऐसा मन कर रहा है कि बस आप गाते जाएं और हम सुनते जाएं जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बात की थी कि आप एक गाना लिख रहे हैं जो कि आप अभी काम कर रहे हैं एक पहाड़ी गाने पे, थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का वो गाना है, क्या स्टोरी है उसकी? जो मैंने थीम सॉन्ग चूज़ किया था अपने फोक सॉन्ग के लिए वो बेसिकली ऐसा था कि जैसे कि सपोज़ एक पुराने कोई गांव में है, तो वहाँ पे एक मदर रहती है जी, जो उसका लड़का है वो शहर में आया है काम करने के, उससे जी, जी। नौकरी करने के उससे, तो शहर में माँ को आदत नहीं होती है गांव में कि बच्चों को दूर भेजने की, क्योंकि बचपन से साथ में ही रहे हैं जी, जी। तो फिर जब लड़का शहर आता है तो माँ बहुत ही मिस करती है अपने बच्चे को, और लड़का भी मिस करता है अपनी माँ को, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया होता है वो घर नहीं गए होते। तो वो ऐसे ही बैठ के रात को ध्यान, मतलब मम्मी का वो रिमेम्बर कर रहा होता है मम्मी को, कि मतलब याद कर रहा होता है कि मैंने जाना था, घर जाना था, और जो भी वादे किए थे मम्मी के साथ कि हाँ मैं जब घर आऊँगा तो ये सामान लेके आऊँगा, ऐसे ऐसे जो भी वादे थे मोस्टली उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने ऐसे इस थीम पे गाना लिखना है। थीम पे गाना लिख रहे हैं आप जी, बहुत ही जो खूबसूरत आपकी थीम है, क्योंकि आजकल जो है पढ़ाई के लिए जो युवाओं को है वो बाहर जाना ही पड़ता है, और वो हमेशा अपने जो पेरेंट्स को है वो याद ज़रूर करते हैं, और उसी पे बेस्ड आपका ये गाना है जी। तो हम फोक म्यूज़िक की लोक गीतों की बात कर ही रहे हैं, तो फिर आजकल हम देखने को मिलता है कि जो उनके स्वरूप में है वो थोड़ा सा बदलाव हमें देखने को मिलता है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि कितना बदलाव आ रहा है, और क्या ये बदलाव जो कितना सही है या फिर कितना अच्छा रहेगा हमारे जो पारंपरिक संस्कृति के लिए है जो हिमाचल की? जी, लोक गीतों में बदलाव तो बहुत आया है टेक्नोलॉजी के कारण, और जो भी मॉडर्नाइजेशन है नई नई टेक्नोलॉजी के कारण लोक गीतों में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि जो पहले लोक गीत होते थे वो मोस्टली इवेंट्स पे बेस होते, जैसे कुछ कटाई है या फिर कहीं फंक्शन है तो मेनली वो लोग ही गाते थे, नॉर्मल लोग। तो अब जैसे धीरे धीरे उसमें चेंजेस आने लगे, फिर उसमें रिकॉर्डिंग्स होने लगी, फिर उसमें नए नए इंस्ट्रूमेंट्स ऐड होने लगे, तो जो एक पहचान थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उन डिजिटलाइजेशन में थोड़ी सी कहीं छुप कर रह गई है जी। तो यही है मेरा मानना कि जो भी है चलो अच्छा है, टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव होने चाहिए, बट एक जो पहचान है लोकगीत की
तो मेरे हिसाब से कहीं वो लुप्त ना हो जाए उन टेक्नोलॉजी के बीच में, तो वो थोड़ा बरकरार रहनी चाहिए, तो उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए जी, बिल्कुल, जो है हमारी जो परंपराएं हैं, जो कल्चर है, वो भी वैसे ही जिंदा वैसे रहनी ही चाहिए। दिखाया जाए, बाकी चलो टेक्नोलॉजी में चेंजेस तो आते ही हैं, चीज़ें बदलती हैं, बट उसको वैसे ही दिखाना बहुत ज़रूरी है जी। तो आपकी एक और जो फर्स्ट एल्बम थी आपकी पंखुड़ी, उसके बारे में हम थोड़ी बात करना चाहेंगे कि पंखुड़ी कैसे नाम पड़ा, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, और क्योंकि आपकी पहली एल्बम थी तो क्या क्या आपको ऐसे चुनौतियाँ देखने को मिली थी? पहली एल्बम में चुनौतियाँ तो बहुत देखने को मिली जी। जो मैंने मोस्टली गाने थे वो मैंने स्कूल टाइम में ही लिखने शुरू कर दिए थे, तो फिर मैंने जो पंखुड़ियों का पहला गाना है जो मम्मा है जी जी, वो मैंने शायद किसी मूवी से इंस्पायर होके लिखा। अच्छा। कि किसी मूवी में एक इंसिडेंट हुआ कि किसी के लड़के की, छोटे से बच्चे की मॉम की डेथ हो जाती है किसी कारणवश। अच्छा। तो फिर जो उस लड़के पे बीतती है तो वो चीज़ें मैंने खुद को विजुअलाइज करी अपने आप, तो फिर मैंने वो देखा कि क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं, तो फिर मैंने उसके ऊपर एक गाना लिखने की कोशिश की, तो वो गाना मैंने रिलीज़ किया 1 अप्रैल को। अच्छा। जिस दिन मेरी मम्मी का बर्थडे होता है। अच्छा, तो फिर एक तोहफा था काइंड ऑफ मम्मी के लिए फर्स्ट सॉन्ग मेरी एल्बम का, तो उस हिसाब से मैंने गाने शुरू किए लिखने जी। तो आपकी मॉम के लिए जो ये आपका बर्थडे गिफ्ट था उसकी कुछ चंद पंक्तियाँ हमें सुनने को मिल जाए जी। बिल्कुल। जैसे बाकी आपके गानों की तरह ये भी बहुत ही खूबसूरत जो आपने अपनी मॉम को गिफ्ट किया था एक तरह से जी। तो जैसे आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो आपको क्या लगता है किस तरह की चैलेंजेस या क्या क्या आपको पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के? एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट होने के बहुत सारे चैलेंजेस हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि हमें किसी कॉन्ट्रैक्ट में बंध के नहीं काम करना पड़ता है जी जी। हमारा ऐसा नहीं है कि हाँ हमें साल में इतने गाने निकालने हैं, तो निकालने ही हैं वो किसी भी तरह से जी जी। हम अपना गाना अपनी फील से अपने हिसाब से गाने निकाल सकते हैं और वो लोग आजकल कनेक्ट भी कर रहे हैं लोग उसके साथ। बाकी जो रिस्ट्रिक्शंस मैं मानता हूँ वो ये है कि एक सपोर्ट जो है, जो एक आर्टिस्ट को, जो कॉन्ट्रैक्ट आर्टिस्ट को सपोर्ट मिलता है, वो उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ना ही फाइनेंशियली होता है और ना ही एक ऑडियंस के टर्म में होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी सेटल्ड आर्टिस्ट होते हैं उनके पास एक ऑडियंस ऑलरेडी होती है, लेबल के पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है, तो वो ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं लोगों से। तो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को रीच करने में, ऑडियंस तक पहुंचने में मेरे हिसाब से थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, टाइम लग जाता है जी। बिल्कुल जी। लेकिन आपके पास जो है वो क्रिएटिव लिबर्टी जरूर होती है जी। क्रिएटिव लिबर्टी हमारे पास होती है कि हम अपने हिसाब से अपने फील से गाने लिख सकते हैं और कोई रोकने वाला नहीं है जी। बिल्कुल। तो हम आगे और भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आपका एक गाना है आधी अधूरी, वो हम सुन ले थोड़ा सा। जी बिल्कुल।
क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, कैसे बताएं तुम्हें क्या क्या हुआ। चौखट पे दिल की आहट से जी है, देखूं तो साया तेरा गुम है कहाँ। अब तो तू कह दे सुनना जो दिल को, क्यों है तुम मुझसे रूठा हुआ। कोई कमी थी चाहत में मेरी, छोड़ गया फिर तू मुझको कहाँ। आधी अधूरी मेरी कहानी रह गई। ना जी सकूंगा तन्हा अकेले तेरे बिन, सुंदर। ये भी आपका गाना था जो एक सीरीज थी वो हमने पूरी सुनी है ये, और बहुत ही सुंदर इसकी स्टोरी जो आगे बढ़ती जा रही है। तो हम जैसे अगर बोलों की बात करें तो बहुत ही सुंदर आपने बोल लिखे हैं, तो आप शब्दों का तालमेल किस तरह से बिठाते हैं? मेरे को लगता है जो ये शब्दों का तालमेल है, जहाँ तक ये एक नेचुरल गिफ्ट है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत ईजीली, मतलब इतना ईजी भी नहीं बट मेरे को आ जाते हैं। थोड़ा टाइम तो लगता है, काफ़ी कभी कभी काफ़ी गाने बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और कभी कभी गाने काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। जी, जी। तो डिपेंड करता है कि जब तक हमें खुद से अंदर से फील नहीं आता कि हाँ शब्दों के साथ ये सही बैठ रहा है, तो फिर हम तब तक उस गाने को आगे नहीं ले जाते हैं। जी, जी। तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे हैं जिनमें साल भी लग जाता है बनने में, पूरा कंप्लीट होने में। तो ऐसे ऐसे करके ये मोस्टली फील का ही है कि अगर आपको फील आ रहा है कि नहीं ये चीज़ें ठीक बैठ रही है, जी, जी। जो आपकी थीम है उसके हिसाब से, जो आपने एक मन में सोचा है, जो आपका एक विजन है उसके हिसाब से अगर गाने ठीक बैठ रहे हैं लिरिक्स, तो वो तब उसके आगे बाद हम जा सकते हैं फिर। जी, उससे फिर आगे एक बहुत ही खूबसूरत जो है गाना प्रस्तुत करते हैं। जी, तो आपका एक इंग्लिश, आप इंग्लिश गाने भी गाते हो, तो हम चाहेंगे कि कुछ बोल आप अपने एक कोई फेमस इंग्लिश गाने के सुना दें। जी बिल्कुल, एक मेरा बहुत ही फेमस सिंगर है एड शीरन। जी, तो वही मेरे आइडल हैं, तो मैं उन्हीं को सुनता हूँ स्टार्टिंग में। जी बिल्कुल, तो उनका एक सॉन्ग है बहुत ही फेमस। बहुत ही सुंदर, आपने जो ये शेप ऑफ यू गाने का नाम है ये आपने गाया है, और आप ना केवल हिंदी गाने में, ना केवल पहाड़ी में, आप इंग्लिश गाने को भी आपने बहुत बखूबी से निभाया है। जी धन्यवाद। जी, तो हम म्यूजिक की बात करें तो फिर आपको म्यूजिक के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट है? मेरे को म्यूज़िक के अलावा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को पढ़ने और लिखने का शौक़ है, तो मैं नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ता हूँ। बाकी मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, जैसे बाय प्रोफेशन मेरा ट्रेडिंग है। जी, जी। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे स्टॉक्स वगैरह हो गए, ऑप्शंस हो गए, तो मैं इन सब चीज़ों में भी काफ़ी टाइम से हूँ इन्वॉल्व्ड।
जी, तो आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं साथ में, म्यूजिक भी कर रहे हैं। ट्रेडिंग की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रॉफिट और लॉस का रहता है, तो आप किस तरह से जो रिस्क है उसको मैनेज करते हैं, और किस तरह से जो अगर बाय चांस लॉस हो जाए तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? जी, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है कम्प्लीटली, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो चला ही रहता है उसमें, कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा। तो हमें अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि लॉस को हम अपने ऊपर हैवी ना होने दें, और हम ज़्यादा लालच भी ना करें। जैसे प्रॉफिट आ रहा है तो हम उसको बुक कर लें, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है प्रॉफिट आ रहा होता है, हम बुक नहीं करते ज्यादा लालच के चक्कर में, और वो वापस लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। जी। तो बस यही है कि अपने माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ता है कि हमें मतलब लॉसेस को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है, और ना ही प्रॉफिट को हैवी होने देना है, ना ही हमें ज़्यादा दुखी होना है, ना ही हमें ज़्यादा खुश होना है। तो मेनली होता है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जैसे हमारा कैपिटल है तो उसका हम कुछ एक परसेंट रिस्क कर सकते हैं हर एक ट्रेड के लिए, जैसे 1%, 2%, 5%, वो अपना डिपेंडिंग है। जी। तो अपने डिसिप्लिन, अपने रूल्स के हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तो काफ़ी आसान हो जाती है ट्रेडिंग, बाकी फिर भी सबसे मुश्किल है ये ट्रेडिंग, क्योंकि लॉसेस को कभी कभी कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जी, यही है। और इसमें भी एक म्यूजिक की तरह ही ऑब्जर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा आप आगे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल रहेंगे। जी, तो आप इतना बेहतरीन आप गाते हैं, और हमें आपकी बेहतरीन गायकी का लुत्फ उठाने का मौका मिला, और आप यहाँ आए, अपना जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, आदर्श ठाकुर के जो गाने हैं वो हमने सुने। हमें यकीन है कि आपने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा आज के कार्यक्रम में। केवल इतना ही, और आपको छोड़े चलते हैं इनके गाने के साथ, आप इन्जॉय कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अभी तो रात बाकी है, दो बात बाकी है, कहाँ चल दिए अभी तो आहें भरनी है, निगाहों में गिरना है, कहाँ चल दिए फिर भी जो सांसें रुकी है, जो नजरें झुकी है।